पहाड़ के लिए जल्द चलेंगी निजी बसें, ऑपरेटरों को मिलेगी बड़ी राहत। आज जारी हो सकता है शासनादेश। पहाड़ की लाइफलाइन मानी जाने वाली निजी बसें फिर चलने शुरू होंगी। उत्तराखंड बस ऑपरेटर्स महासंघ से शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की वार्ता सफल हो गई। शुक्रवार को मांग के अनुरूप शासनादेश परिवहन विभाग से जारी कर सकता है। दरअसल कोविड कर्फ्यू के बाद निजी बसों के मालिक 50% यात्रा क्षमता से बस संचालन में असमर्थता जता रहे थे। 5 से 12 जून तक बदले रहेंगे शहर के रूट। आगामी 12 जून को होने वाली IME पासिंग आउट परेड को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया है, जो 5 जून से 12 जून तक लागू रहेगा। यह डाइवर्जन अलग अलग दिनों में अलग अलग समयावधि के लिए किया जाएगा। व्यापार नहीं मौत का कारोबार कर रही विदेशी फार्मा और न्यूट्रिशन कंपनियां। विदेशी फार्मा और न्यूट्रिशन कंपनियों के उत्पादों को कटघरे में खड़ा करते हुए स्वामी रामदेव ने बृहस्पतिवार को पतंजलि की कई दवाएं लॉन्च कर दी। उन्होंने दावा किया कि पतंजलि की दवाएं ऑर्गेनिक और नेचुरल है। बृहस्पतिवार को स्वामी रामदेव ने गंगा घाट पर पतंजलि की दवाएं लॉन्च करते हुए सोशल मीडिया और एक टीवी पर लाइव इंटरव्यू दिया। मानसून के 24 तक पहुंचने की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आज बारिश के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश के आसार है। इसके अलावा राजधानी देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल जनपदों में भी कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। केंद्र से राज्य को मिली 1.19 लाख कोविड वैक्सीन। 18 से 44 आयु वर्ग को आज से लगेगा टीका। उत्तराखंड को गुरुवार को केंद्र से 1.19 लाख कोविड वैक्सीन की खेप मिल गई है। ये टीके 45 से ऊपर वालों के लिए मिले थे, लेकिन इस वर्ग के कोटे से शुक्रवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। केंद्र की ओर से 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए भेजी गई 1,19,850 वैक्सीन गुरुवार को देहरादून पहुंच गई। चंदरनगर स्थित राज्य वैक्सीन सेंटर से जिलों को वैक्सीन वितरित की जाएगी। CM तीरथ ने दी मंजूरी। 18 पत्रकारों के आश्रितों को मिलेगी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के हित में बड़ा निर्णय लिया। पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूरी दी। इसमें से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है। निगरानी के लिए अब नेपाल सीमा पर बढ़ाया जाएगा सुरक्षा चक्र। बनेगी 2 नई पुलिस चौकियां। उत्तराखंड से लगे नेपाल सीमा पर निगरानी का जिम्मा मुख्य रूप से SSP के कंधे पर है। SSP बॉर्डर आउट पोस्ट के जरिए सीमा पर निगरानी रखती है, लेकिन अब सीमांत के इलाकों पर पुलिस की सुरक्षा चक्र भी बढ़ेगी। इसके लिए सीमा से लगे गाँवों में पुलिस की 2 चौकियां बनाई जाएगी। जमीन की तलाश का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 11 नए मरीज मिले। 8 संक्रमितों की हुई मौत। उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को देहरादून और नैनीताल जिले में 11 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 8 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब मरीजों की संख्या 255 पहुंच गई है। कोविड काल के पिछले 2 महीने सरकारी खजाने पर भारी पड़े हैं। अब तक अप्रैल और मई महीने में सरकार को करीब 1,100 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। ये राजस्व उसे खुद के संसाधनों से मिलता है। कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ शिक्षा गुणवत्ता में देश के 4th स्थान पर आया उत्तराखंड। शिक्षा गुणवत्ता में उत्तराखंड ने देश में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 4th स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग ने SDG इंडेक्स का 3rd संस्करण जारी किया है। उसमें केरल 80 अंकों के साथ पहले और उत्तराखंड 70 अंकों के साथ देश में 4th स्थान पर है। ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे डॉक्टरों के सामने परेशानी। एम्फोटेरिशन B इंजेक्शन से किडनी पर असर से इस्तेमाल रोका। ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टरों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। इससे उपचार के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे एम्फोटेरिशन B इंजेक्शन मरीजों की किडनी पर बुरा असर डाल रहा है। कब से शुरू होगी चारधाम यात्रा, जाने क्या बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि सरकार शीघ्र ही चारधाम यात्रा को व्यवस्थाओं के साथ शुरू करने पर विचार कर रही है। यह व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि राज्य का अधिकांश कारोबार पर्यटन पर आधारित है। CM तीरथ सिंह रावत के बाद अब सांसद अजय भट्ट की कोरोना वैक्सीन पर फिसली जुबान। कही ये बात नैनीताल क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने टीकाकरण को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। उनकी जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने 14 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन आने की जगह ऑक्सीजन आने का बयान दे डाला।
कोविड मृत्यु दर में देश में उत्तराखंड का दूसरा स्थान बेहद चिंतनीय। भाजपा राज्य में प्रदेश का हुआ बेड़ा गर्क। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने सांसद अजय भट्ट द्वारा 14 साल से 45 साल तक के लोगों को ऑक्सीजन देने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा। प्रदेश के 3 जिलों में सिर्फ एक एक बाल रोग विशेषज्ञ। उत्तराखंड में बाल रोग विशेषज्ञों की बेहद कमी है। चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। यह भी कहा गया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी। ऐसे हालत बच्चों की सेहत पर भारी पड़ेंगे। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क।